होटल में जब भी कोई लड़का लड़की आते है ना तो पुलिस वगैरह भी आ जाती है। अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा अकड़ेगा। मैं छुपती हूँ, जल्दी छुप जा। भैया 2 मिनट लगेंगे, करने दो। वो जल्दी कर लेना थोड़ा सा। वैसे भैया आप अकेले आए हो? हाँ वो मैं अकेला ही आया था। वो घर पे ताला लगा हुआ है, मतलब मम्मी पापा गाँव गए ना, तो इस वजह से मैं अकेला ही आ गया रहने के लिए। ये तो मेरे भैया। अच्छा गर्लफ्रेंड तो होगी? अरे गर्लफ्रेंड वगैरह मेरी काम है, तो ऐसे ही। ये बात समझ में नहीं आई, फिर तुम अकेले रुक गए होटल में? हाँ वही बताया ना कि मम्मी पापा घर पे नहीं है, तो इसलिए। प्लीज जल्दी करो, इनको पकाओ यहाँ से, वरना मैं पकड़ी गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन भाई ये वर्दी ना देखी देखी लग रही है। हाँ याद आया, ये तो मेरी बहन भी पढ़ती है ना इस स्कूल में। वो वर्दी? अच्छा आपकी बहन भी? नाम नाम क्या है? मेरी बहन का नाम तो अंकिता है। हाँ होगी ऐसी वर्दी तो, और भी बहुत स्कूलों की है ना। जल्दी कर दो ना, हो गया होगा। भैया हो गई सर्विस। अरे भाई सच में आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है या मुझसे मजाक कर रहे हो? कितनी बार बोला मैंने कि नहीं है कोई गर्लफ्रेंड, अब क्या मैं होटल में अकेला रुकने भी नहीं सकता? भाई आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था। तो सुनो, जुबान नीचे करके बात करो, समझे? निकल यहां से। ठीक है। तुम्हें बकवास कर जा रहा है। प्रिंस तुम पागल हो क्या? तुमने मेरे भाई को थप्पड़ क्यों मारा? तो क्या करता, यहाँ पे फालतू सवाल पूछे जा रहा था। अगर उसको पता चल जाता मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ तो क्या होता पता है ना? और तुमने तो कहा था कि तुम्हारे भाई कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, ये क्या है? ये तो होटल का वेटर है। पर मुझे तो भैया ने यही बताया था कि वो बिजनेसमैन है। क्या पता तेरे से छुपाता हो, चल जाने दे, जो भी हो क्या फर्क पड़ता है। तुम मुझसे सच में प्यार तो करते हो ना, और शादी करोगे ना मुझसे? हाँ बाबा तेरे से ही शादी करूंगा यार, कैसी बातें कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि तुम मजे के लिए ही आए हो सिर्फ होटल में? तो क्या तुझे होटल में मजे नहीं करने थे, सिर्फ मेरे को करने थे? यार तुम तो नाराज हो रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ नहीं हो रहा नाराज, चल। कितने दिनों बाद तुझे मौका मिला है। शिट, लगता फिर से तेरा भाई आ गया। साले को छोड़ूंगा नहीं मैं, तू जाके छुप। साला फिर से आ गया इसकी तो। आप यहाँ कैसे? क्या चल रहा है यहाँ? मैं अकेला रुका हूँ यहाँ पे। पक्का अकेले रुके हो ना, या कोई लड़की भी है तुम्हारे साथ में? लड़की कुछ नहीं है। वो तो पुनीत कमरे की तलाशी लो। नहीं नहीं सब रुकी, तलाशी क्यों? मेरा कुछ प्राइवेट सामान पड़ा हुआ था, वो कपड़े वपड़े बस है ना। अपनी आईडी दिखाओ। आईडी एक सेकंड वो आईडी आईडी तो जेब में पड़ी थी। सारे आईडी देखिए ना मैडम। जब तेरे पास ही आईडी थी तो ढूंढने का क्या था? चल लो पकड़ो। धन्यवाद। और कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब है ना सब? मैडम ये कुछ ज्यादा ही घबरा रहा है। कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तलाशी ले लेते एक बार। हाँ ले लो तलाशी। सर सर मैडम बोलो ना, तलाशी क्यों? मैं कोई मुस्लिम थोड़ी हूँ, मतलब क्या? ठीक है अगर कोई बात नहीं है तो हमें तसल्ली होने दो ना, तुम घबरा क्यों रहे हो? पुनीत ठीक से तलाशी लेना, अगर कुछ मिला ना तो फिर बताती हूँ मैं इसे। जी मैडम आप टेंशन मत लो, अच्छे से तलाशी लूंगा इस रूम की। नहीं नहीं डर नहीं रहा हूँ, कोई दिक्कत। ओहो इसका मतलब लड़की यहाँ छुपी है। ए तू खुद बाहर आएगी या तुझे घसीट के बाहर लाऊं? मैडम देख लिया ऐसे होते ये लोग, हमारे सामने शरीफ बन रहे थे और पीछे लड़की छिपा रखी है। क्या कर रहे थे इस लड़की के साथ? कह रहे थे कि अकेला हूँ, कोई लड़की नहीं है। देखो मैडम ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की बस दोस्त है मेरी, और उसके घर में भी आज कोई नहीं है ना, तो इस कारण बस रुक गई, और कुछ दिक्कत नहीं है। मौज मस्ती करने के लिए लाए हो इसे, मैं सब समझती हूँ, चुपचाप से बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठते हैं ना। हाँ की तो डरो मत मैडम, कुछ नहीं बोलेंगे,
बस पूछताछ और ये चिंता मत करो तुम। क्या हुआ मैडम, आप ऐसे कैसे तलाशी ले रहे हो, कुछ दिक्कत हुई है क्या? मैडम ये ऐसे नहीं मुंह खोलने वाले अपना, मैं बात करता हूँ उनसे। ओए कहीं तुम लोग नाबालिग तो नहीं हो? हाँ मैडम, वो हम लोग बालिग है ना, मैं 21 साल का मैं हूँ और ये भी 21-22 साल की है। ये भी 21-22 साल का? तो बेटा एक बात बता, तुझे किसने हक दे दिया कि तू स्कूल की लड़की को लेकर होटल में आएगा, वो भी स्कूल की ड्रेस में? गलती हो गई, सॉरी सर। अच्छा तो इसका मतलब तू मान रहा है ना कि तूने गलती करी है? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो बाकी तो घर वाले सच में घर में नहीं है, इस चक्कर में बस इसको लेके आ गया यहाँ पे। मतलब इसके घर वाले भी नहीं थे तो मैंने सोचा कि आधे पैसे डाल के वो होटल बुक कर लेते हैं, साथ में रुक लेंगे, सुबह चले जाएंगे स्कूल यहीं से फिर घर आ जाएंगे। चल कोई बात नहीं, वो तो हम खुद पता कर लेंगे। एक काम कर, अपने घर वालों का नंबर दे। नंबर का क्या करोगे सर? आप वो बोला ना घर वाले घर पे नहीं, शादी में गए गाँव में। अच्छा शादी में गए ना, तो फोन तो होगा ना उनके पास, नंबर दे बात करते हैं अभी। सर समझो ना सर, घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या समझेंगे, और घर वालों को पता है मैं होटल में रुका लेकिन लड़की के साथ रुका, ऐसा उनको पता चलेगा तो वो बुरा लगेगा ना उनको। ओए तेरा ना बहुत हो रहा है, तेरे से प्यार से कह रहे तेरी बात समझ में नहीं आ रही है, चुपचाप से अपने घर वालों का नंबर दे, आखिरकार उन्हें भी तो पता चले कि उनके पीठ पीछे उनका लौंडा होटल में स्कूल की लड़कियां लेकर आ रहा है। नहीं नहीं सर साहब, देखो मैंने आपको बताया सर, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे सब शादी में गए हैं, उनको पता चलेगा तो शादी भी खराब होगी और ये सब बदनामी हो जाएगी, समझा करो ना, रिश्तेदार क्या समझेंगे, और लड़की है आंटी जी आप तो समझो ना, वो लड़की है उसकी बदनामी होगी, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। देख अब तो बोल रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को जाने दो, घर वाले शादी में गए हैं, भाई हम इन सब चीजों से क्या लेना देना। देख चुपचाप से या तो घर वालों का नंबर दे दे, हम बात करेंगे और चले जाएंगे, अगर तू नंबर नहीं देगा तो मैं भी मजबूरन तेरे को यहाँ से थाने में ले जाना पड़ेगा, फिर अच्छा लगेगा तेरे घर वाले खुद थाने में आए चल के, नहीं ना तो दे दे नंबर। अरे नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं है सर, मतलब ये कि उनको पता है कि मैं होटल में रुका हूँ, घर पे कोई नहीं है, लेकिन देखो इसकी भी मजबूरी है, इसके घर पे भी कोई नहीं है तो इसलिए हम रुक गए दोनों, लेकिन घर वाले कुछ गलत ही समझेंगे ना, उनको तो सिचुएशन का पता नहीं है कि मतलब किस तरह क्या है ना, इसलिए सर आप तो समझिए ना प्लीज, मैडम आप तो मेरी माँ जैसी है, प्लीज आप समझिए ना। hey! माँ बाप बोलने की जरूरत नहीं है समझे, ज्यादा होशियारी मत करो और मेरे साथ ना ज्यादा इमोशनल ड्रामा मत करो, मेरा बेटा तुम्हारे जैसा कभी नहीं हो सकता है कि लड़कियों को लेके होटल में रात बिताए, समझे? साहब कोई पैसे वैसे देखे अगर आप। अबे ओए तूने क्या हमें घूसखोर पुलिस वाला समझ रखा है? और अभी तो कह रहा था कि पैसे नहीं है, अब बड़े पैसे निकल रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैं रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आप कुछ पैसे ले दे के अगर कर देते तो चल ठीक है, अगर तुझे हमारे को पैसे ही देने, कितने देगा? वो 500 रुपए में देख लो थोड़ा। क्या क्या 500 रुपए? अगर तूने क्या हमें भिखारी समझा है? 500 रुपए मैडम कितने लेने इनसे? अरे कम से कम 20-30 हजार तो लेंगे। हाँ भाई सुना तूने मैडम ने क्या कहा, 20 हजार? 20 हजार कहाँ से लाएंगे सर, हम इतने पैसे नहीं है, हमारे पास स्कूल के स्टूडेंट है, अभी तो आपको पता है गरीब परिवार से है, घर वालों को पता चला तो दिक्कत हो जाएगी सर, समझे ना प्लीज। चलो कोई नहीं, हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, इसे पकड़ के मारो तब इसके होश ठिकाने आएंगे। सर क्या करने वाले साहब आप? सर प्लीज रुक जाइए ना, मत मारिए उसे। देख चुपचाप पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे कौन है ये? मेरा दोस्त है। नहीं बोलेगी ना? सर प्लीज आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इसके बाद मैं पूछूंगा नहीं, सीधे से थाने लेके जाऊंगा। बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, प्लीज मत मारिए इसे। सर आप ऐसे हाथ कैसे उठा सकते हैं, सर हम तो बालिक है और कानून के हिसाब से अगर हम बालिक है तो कोई भी होटल में रुक सकते हैं, लड़का लड़की अपनी मर्जी से, आप ऐसे हाथ कैसे उठा सकते हो? देखो मैडम कैसे मैं घूस दे रहा था और बोल रहा था कि दोस्त है, खाली घूमने आए हैं, घर वाले बाहर गए हैं, मेरे को तो लगता है ये घर वालों की बात भी ना झूठ बोल रहा होगा। अब बताओ क्या करना है इसके साथ? अरे पुनीत इसे तो देखते ही मैं जान गई थी,
अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे रोमियो रोड शॉप रोड पे घूमते हुए, समझे? मैं तो आपको पैसे देने के लिए भी राजी हो रहा, पैसे भी नहीं ले रहे हो। मैडम आप भी कुछ बोलिए ना, नहीं तो आपके खिलाफ मैं कंप्लेन कर दूंगा। अच्छा, मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगा? क्या बताएगा कि लड़की के साथ होटल में रात बिताने के लिए लाया था तो इन्होंने पकड़ लिया? जा, एक माँ बाप का नंबर तो दिया नहीं जाता है, डर लग रहा है, और मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगा। देखो मैडम प्लीज हमें जाने दो, यहाँ से बहुत हो गया आपका। मैं सुबह के बजाय अभी निकल जाते हैं हम लोग। चलो अंकिता उठो। ओए कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, चल एक काम कर, पैसे दे और यहीं पे रफा दफा करते हैं मामला। क्यों खामा खाई, हमारा भी टाइम वेस्ट हो। और हाँ मैडम, एक काम करते हैं, बच्चे हैं, इन पे इतने पैसे कहाँ ही हो गए, 20,000 में रफा दफा करते हैं। ठीक है 20,000 दे दे और मामला खत्म। सब कहाँ से लाऊंगा 20,000 रुपए? फ्रेंड्स रुको, मेरे पास कुछ पैसे हैं। सर मेरे पास पैसे हैं। तेरे पास पैसे कहाँ से आए अंकिता? वो भैया ने मुझे दिए थे सुबह नया फोन लेने के लिए, अब वही पैसे दे देते हैं। तू तो कह रहा था कि तेरे पास पैसे नहीं है, लड़की के पास पैसे कहाँ से है? कहीं तूने पहले ही तो नहीं छुपा रखे थे? मुझे तो पता भी नहीं था कि अंकिता के पास पैसे है। ये कितने पैसे अंकिता? लगभग 35,000। 35,000? ला साहब, आपने तो 20,000 बोला था, आप इतने सारे पैसे कैसे ले गए? साहब बाकी पैसे तो वापस दीजिए। हाँ तो क्या हो गया, अब 35 मिल गए तो 35 हो गए हमारे। चल ठीक है। ओए लड़की तेरा तो हो गया, तू निकल यहाँ से, और तू तेरे 35,000 बाकी है, ला जल्दी दे। क्या सर, इसने तो 35,000 दे दिए, वो और कहाँ से दे? अबे 20 बोले थे तो क्या हो गया, अगर 35 हाथ में आ रहे हैं तो फिर मैं 20 क्यों लूंगा, और ये तो इसके हिस्से के हो गए, तेरे हिस्से के बाकी है ना, या तो पैसे दे या घर वालों से बात करा दे। साहब मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे, साहब प्लीज जाने दो ना। मैडम मैं क्या कह रहा था, ये इस लड़की को मेरे साथ सोने देना। बकवास बंद कर, स्कूल की लड़की है, बेफालतू में फंस जाओगे, पैसे मिले ना चुपचाप से रख लो। अरे कुछ नहीं होने वाला मैडम, आप खामा खाई घबरा रही हो, और देखो ना देखने में कितनी माल लग रही है, और वैसे भी मैंने आज से पहले आपको कभी बोला, अब पसंद आ गई है तो सोने दो। और रही मेरे हिस्से की बात, जो आप मेरा हिस्सा देती हो वो मेरे को मत देना, उसके बदले मेरे को सोने दो बस इसके साथ। तेरा दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा ना हम लोग खामखा फंस जाएंगे, पैसे मिले हैं, और हाँ 35,000 मिल तो गए, अब रहने देते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं। ले चुप कर बुढ़िया, क्या जब से चप्पर चप्पर करे जा रही है, तेरे को जरा सा धंधा क्या दे दिया संभालने के लिए, मेरे सिर पे बैठेगी है? शायद तो भूल गई है वो दिन जहाँ 2-3 हज़ार की नौकरी करती थी, आज तेरे पास 2 पैसे के आने लगे तो मेरे आगे अपनी मनमानी करेगी है? जैसा मैं कहूँगा ना वैसी होगा, समझी? जो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अगर इन लोगों को पता चल गया कि हम लोग नकली पुलिस वाले हैं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और पैसे जाएंगे 100 अलग से। आज तक हमें इतने पैसे कभी किसी ने दिए, अब 35,000 मिल गया तो दिमाग तुम्हारा चढ़ गया है। चल यहाँ से। कहाँ फंस गए फालतू में यार। मैडम आपकी बातें होगी हो तो प्लीज हमें जाने दो ना। मैम तू तू यहाँ क्या कर रही है? भैया वो तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बहन? अरे सर आप पहले बता दे, हमने खामा खाई नहीं पकड़ लिया, हमारा टाइम हो रहा वेस्ट कर दिया। लिए लीजिए अपने पैसे पकड़ो। क्या मतलब ये? बहुत बढ़िया, ये बहन ने तो इसे छोड़ दिया ना। ये ना नकली पुलिस वालों, एक बार पता कर लेते कि असली पुलिस वाला कौन है। इस एरिया का इंस्पेक्टर हूं मैं, समझे? कुछ दिन पहले रोती हुई आई थी पुलिस स्टेशन में, और बोलने लगी कि इसकी दोस्त के साथ ये सब हुआ है। धंधा चला रहा ना तू, कि कोई भी तेरे होटल में आता है उनकी वीडियो बनाता है उन्हें फंसवाता है, और अगर कोई भी नाबालिग दिख जाए या फिर कॉलेज का स्टूडेंट दिख जाए तो उसे नकली पुलिस बनकर डराते हो और पैसे हटते हो। बहुत बढ़िया, लेकिन ये तुम्हारा झूठ ना सबके सामने आ चुका है और अब तुम बच नहीं सकते। बहुत पहन ली है नकली भर्ती पुलिस की, अब जेल की सलाखों के पीछे का मजा लेना। और तुम आज तुम्हारी बहन पे बात आई है तो बहुत बुरा लग रहा है।
हाँ इसे छोड़ दो, इसके पैसे वापस दे दो। लेकिन आज तक पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ तुमने ये सब किया। इसकी दोस्त उस दिन इतना रो रही थी, कह रही थी कि होटल में अपने पति के साथ गई थी और उसकी आपने ऐसी वीडियो बनाई। उसे बोल रहे थे कि उसके बदले में 2-3 लाख रुपए चाहिए। उस बिचारी ने पता नहीं कहां से उधार मांग के वो पैसे लाके दिए। वो तो खुदकुशी करने वाली थी। उसे मैंने समझाया कि आप चिंता मत करो, जिसने भी आपके साथ बुरा किया ना उन्हें सजा जरूर मिलेगी। और पता नहीं कितने लोगों के साथ आपने ये सब किया है, आप लोगों को बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी और आप लोग जेल की सलाखों के पीछे तो जाओगे और आपको जुर्माना भी होगा। जितने भी पैसे आज तक आपने हिटे होंगे ना उससे डबल निकलवाऊंगा, वसूल करवाऊंगा सारे पैसे। बहन मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अच्छा बहन है तो माफ कर देगी? बिल्कुल नहीं। आप कुछ बोलना चाहोगी ना? भैया मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई ऐसा निकलेगा। सच में आज तो आपको भाई बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। इतना गंदा काम करते थे आपने एक बार भी नहीं सोचा उन लोगों के बारे में जिनके साथ आप ऐसे ये हरकतें करते थे। ये सब करने से पहले एक बार इतना तो जान लेते कि कानून के मुताबिक अगर कोई अडल्ट है और हाँ ये नकली वर्दी पहनने वालों कानून भी पढ़ लेते, ताकि तुम्हें पता चल जाता कि कोई बालिक अगर होटल में रुकता है ना अपनी मर्जी से तो उसके पूछताछ नहीं करी जाती, समझे? और ठीक है, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने सारों को ये नकली ड्रामे में फंसाते हो, बहुत हो गया तुम्हारा, अब नहीं बचने वाला। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो, प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा तो प्लीज यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है, तो भर भर के कमेंट्स कर दो। हमारे पेज को यार फॉलो कर दो, फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना यार, प्लीज आप फॉलो नहीं करते हो प्लीज फॉलो बटन पर क्लिक कर देना, प्लीज 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 फॉलो कर दो और हमारे पेज को अभी शेयर कर दो, इस वीडियो को जल्दी से प्लीज शेयर कर दो, वीडियो देख लिया ना अब शेयर करो, प्लीज क्लिक कर दो, अभी तक नहीं किया प्लीज क्लिक करो, शेयर कर दो, लव यू ऑल।